after TV, now we see you going to the films like a new Shah Rukh Khan? Well, let's see. Show se kafi acha response raha hai, and let's see how what response do we get from movies as well. So yeah, hoping for the best. Fingers crossed. पर क्यों ऐसा सोचा आपने कि मतलब अब वो समय आ गया कि आपको आगे बढ़ना चाहिए फिल्म्स की तरफ? जी एक्चुअली कहीं ना कहीं एक शुरुआत होती है जब आप इस फील्ड में आते हो तो इवन इफ यू टेलीविजन एक्टर यू वांट टू यू नो गेट इनटू फिल्म्स आपको फिल्म करनी है आपको आपको कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है एक हीरो बनना है यू नो बट मेरा वैसा कुछ नहीं था मेरा एक अच्छा था कि एक अच्छा प्रोजेक्ट करूँ फिल्म करूँ बट इन अ वे एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए एमटीवी के शो पर और मूविंग ऑन एक अच्छा क्राउड रिस्पॉन्स एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा सो मूविंग ऑन फ्रॉम दैट कमिंग इन टू फिल्म्स येस इट्स अ बिग स्टेप फॉर मी एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट और ऐसा नहीं है कि ये सही टाइम है या गलत टाइम है इट्स जस्ट दैट कि मैं सही स्क्रिप्ट के लिए रुका था विच आई फील के राइट नाउ आई हैव द राइट स्क्रिप्ट फॉर इट और उसके पहले भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स वो वर्किंग ऑन आई वाज डिस्कसिंग ये बट कहीं ना कहीं एक एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि ये शुरुआत होनी चाहिए यहाँ शुरुआत होनी चाहिए बट अब लगता है अब सही वक्त है सो यस स्क्रिप्ट की बात की आपने तो जानना चाहेंगे किस तरह का स्क्रिप्ट है किस तरह की मूवी जी एक्चुअली सब कुछ स्क्रिप्ट को लेकर जो भी रिवील करना है स्टोरी एंड एवरीथिंग विल बी रिवील्ड ऑन मार्च 11 जहाँ पर हमारी फिल्म का मुहूर्त भी हो रहा है सो ओवर देयर विल बी डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग इन अ वे एक्चुअली फॉर नाउ अभी मैं म्यूजिक पर ध्यान रखना चाहता हूँ मेरी एक नई शुरुआत है म्यूजिक के फील्ड में और इसी के साथ साथ वी वॉन्ट टू प्रमोट आवर फिल्म एज वेल बिफोर द फिल्म टेक्स प्लेस गोज ऑन फ्लोर्स दैट इज ऑन 11th मार्च सो यस क्या है ये म्यूजिक क्या है गाना जो आप शायद अभी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जी हाँ एक्चुअली इट्स अ न्यू इट्स अ नाइस रोमांटिक मेलोडी ट्रैक एंड बहुत टाइम से मैंने इसके लिए प्रैक्टिस की इनफैक्ट क्लासेस किए ट्रेनिंग की एंड सो आई मस्ट से दैट सिंगिंग इज नॉट एन ईजी टास्क मतलब जो लोगों को लगता है कि यार कोई भी गा सकता है और नहीं नहीं इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इट टू द प्रोफेशनल लेवल देन इट्स नॉट ईजी सो येस आई रियली वर्क हार्ड फॉर इट और थैंकफुली टचवुड द सॉन्ग दैट वी हैव राइट नाउ इज रियली नाइस होपफुली यू गाइज शुड ऑल्सो लव इट So it'll be out soon. So let's see. आपकी जो फिल्म की एक्ट्रेस है वो पहले से आपकी फैन है? Actually वो मुझे भी नहीं पता था, but मुझे सुनने में आया ये सब कुछ के she used to watch the show. So in a way I felt obliged and I also felt nice that you know people from outside besides India also watch the show and appreciate our work and stuff like that. So yes, it's good to know. और in fact उन्हीं का क्या? मुझे भी जब मुझे बताया गया कि ये सुहाय अली इज़ द फीमेल उसको नाम दिया ऑपोजिट यू सो आई वॉज एक्साइटेड फॉर इट आई सॉ हर वर्क एंड इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एंड वेरी टैलेंटेड वन एंड ऑफकोर्स पीपल फ्रॉम अक्रॉस द नेशन दैट इज़ पाकिस्तान एंड दे हैव अ वेरी नाइस डायलेक्ट व्हेन इट कम्स टू यू नो लैंग्वेज उर्दू और हिंदी और सो काफी कुछ सीखने को मिलेगा एंड सो प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर इट मिल लिए आप उनसे नहीं अभी फिलहाल तो नहीं बट सपने देख रहे हैं सपने एक्चुअली बस काम पे फोकस कर रहा हूँ और जैसे कि शो में एक रोमांटिक किरदार था मेरा जिसके लिए मैं जाना गया था जो जो लोगों ने पसंद किया था सो होपफुली वही आगे एक रोमांस का एक अच्छा ट्रैक निकल कर आए इन द सॉन्ग एंड एज वेल एज द फिल्म बड़े पर्दे पे आप जाने वाले टीवी शो से क्या लगता है जो आपका चार्मिंग जो टीवी शोज पे था वही बड़े पर्दे पे नजर आएगा ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी कंपटीशन है मार्केट में एक्चुअली हाँ कंपटीशन तो इनफैक्ट कंपटीशन टीवी में भी बहुत है तो टू बी ऑनेस्ट टीवी में क्या सब जगह है सो बट मैं लोगों के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ आई जस्ट वांट टू गेट बेटर एंड बेटर लाइक मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस एंड यू शुड नेवर स्टॉप सो अगर आप एक्टिंग सीखना आप भूल आप रह जाते हो आप वहीं रुक जाते हो और फिर आपको लगता है कि नहीं आप सब कुछ सीख चुके हो तो नहीं दैट्स नॉट इट इवन द बिगेस्ट ऑफ एक्टर्स कीप लर्निंग सो एंड आई कीप लर्निंग फ्रॉम देम दैट दे स्टिल कीप लर्निंग सो इट्स अ प्रोसेस और ये कभी रुकता नहीं है तो कंपटीशन की रहा सवाल तो मैं अपने आप से कम्पीट कर रहा हूँ आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जिस लेवल पे मैंने शो में एक अपना एक बेंचमार्क बनाया है आई वांट टू एक्सटेंड एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट पीपल ऑफ ऑल द एजेस नॉट ओनली द टीनेजर्स नॉट ओनली द यूथ सेक्शन बट ऑफ ऑल द एजेस लाइक मी एंड लव मी एज वेल बट इस फिल्म का प्रोड्यूसर कौन है डायरेक्टर कौन है जी एक्चुअली प्रोड्यूसर सुभाष जी है एंड एक्चुअली ही उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे पिच की थी एंड ही मेट मी एंड ऑल्सो ही सॉ द शो एंड क्वाइट लाइक माई वर्क
So and that's how we narrated, he narrated, and we discussed about it and quite liked it, and I was up for it instantly. और उसी के साथ साथ डायरेक्टर हैं, उनका नाम करण कश्यप है. सो डिटेल्स इट्स ऑलरेडी आउट रिगार्डिंग द फिल्म. सो यस, फिल्म का प्रीमाइस क्या रहेगा थोड़ा सा अगर आप? इट्स अ रोम कॉम. इट्स अ रोम कॉम बेसिकली, जिस जॉनर के लिए मैं जाना गया हूँ, रोमांटिक. सो यस, इट हैज़ टू बी अराउंड रोमांस, एंड इट्स अ गुड नाइस रोम कॉम. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी playing Punjabi characters. Achha, Punjabi characters. Yes, huh. So it'll be nice, interesting to see how what atmosphere we are in and how do we connect with each other. बड़े strong producer को मतलब उन्होंने आपको पकड़ा या आपने उनको पकड़ा? मतलब क्योंकि like he has a very good hold in the industry, like he has been like to with Miss Katrina Kaif and yeah. In fact, I was quite delighted and actually touch hold. Fortunately, they contacted me, and जब मुलाकात हुई, and it was a very nice response from them. They were very positive about me taking for the project, and they were pretty much excited. And so even I felt that it's so much people are interested in working. Why shouldn't I? And also the script is demanding so much of performance from me. So I should rather give it. So yes, I chose that script. What टीवी इंडस्ट्री में अभी मतलब लोग और आपको दर्शक देखना चाह रहे थे जी, हो सकता था आप थोड़ा समय और देते यहाँ पे दर्शकों को कि जैसे आपने ये शो किया था तो आप प्रॉब्ली फिक्शन कर लेते थोड़ा बहुत और थोड़ा प्रॉब्ली जैसे और एक्टर्स हैं जो अपनी पहचान मतलब और बना लेते जरूर, हैं ऑडियंस के बीच फिर वो करते हैं जी. एक्चुअली मेरा इनफैक्ट ऑप्शंस अभी भी बहुत आ रहे हैं और बहुत सारे नए शोज और से मेरे दिल को सुकून दे भी जे रोई रोई मेरी रोई रोई जिंदगी रोई मेरी ओ पिया. Hi, this is Parth Santhan, and I wish all the very best to